हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं रूट आयोटा क्वेश्चन किया गया है कि रूट रूट आयोटा कितना होगा। अब आपको पता है कि आई हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको हम आयोटा भी कहते हैं। ठीक है, तो रूट आई का हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, जहां पे ए और बी क्या है, हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब आप कहेंगे कि हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट क्यों दिया है, तो बच्चों याद रखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसलिए ए और बी अभी डिसाइड नहीं है कि हमारे क्या होंगे। ए और बी अगर हमको मालूम पड़ जाएगा तो हम यहाँ लगा देंगे, तो रूट आयोटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस तरह से कुछ लिख जाएगा, रूट आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि रूट को टू टाइम्स लिखने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वो आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। तो यहाँ आई लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी हमारा है आई बी, तो आई का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बच्चों अलग अलग हो जाएगा, आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और आई यहाँ पे अलग लग जाएगा। ठीक है, समझ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो गया बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आई स्क्वायर होता है उसका क्या मान होता है, माइनस वन होता है बच्चों। क्या होता है? माइनस वन होता है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ आई लिखना है, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो गई प्लस टू ए बी आई हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से लिख लेना है बच्चों, आई प्लस जीरो, यानी आई प्लस जीरो तो आई ही होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आई हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, तो बच्चों याद रखिए ये हमारा रियल पार्ट है और आई के आगे ये टू ए बी हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो हमें बोथ साइड्स क्या करने पड़ेंगे, कंपेयर करने पड़ेंगे। इक्वेटिंग क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, इक्वेटिंग कर लेंगे। देखो इक्वेटिंग करिए रियल पार्ट को, रियल पार्ट आपका क्या है, रियल पार्ट किसको कहा जाता है जिसमें आई नहीं आता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट साइड में ये है, और इधर रियल पार्ट क्या है, जीरो है बच्चों, और उधर से इमेजिनरी पार्ट क्या है, टू ए बी है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, वन है। क्या है? वन है। तो आप देख सकते हैं आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया जीरो, टू ए बी मिल गया वन। अब आपको इन्हीं को सॉल्व करना है और यहां से ए और बी निकालना है और इक्वेशन में क्या करनी है, लगा देना है, रूट आयोटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, जीरो है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को घर ले आइए। अब बच्चों क्या करेंगे, स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी। अब मैं ये ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू इसको उठा के मैं किस इक्वेशन में लगा दूंगा, यहाँ पे, तो यहाँ लगाएंगे तो देख सकते हैं बच्चों बड़े आसानी से ए की वैल्यू कितनी है, बी, तो मैं यहाँ पे टू और बी इंटू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना है, वन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन बाई रूट टू, रूट लग जाएगा ना बच्चों, ये टू अपॉन में आएगा, वन का स्क्वायर रूट तो वन ही रहता है और टू का स्क्वायर रूट रूट टू हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आपको समझ में आ गया। फिर ये b की वैल्यू a के इक्वल है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या है, b है, और v आया है प्लस माइनस वन बाई रूट टू, तो ये a भी हो जाएगा प्लस माइनस वन बाई रूट टू। तो आप देख सकते हैं a और v जो हमारे पास आया है वो एक रूट आयोटा के लिए रियल और इमेजिनरी पार्ट है, वहां पे आप लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, रूट में जो आई लिखा है बच्चों वो किसके इक्वल है, ए प्लस आई बी के, तो ए की वैल्यू कितनी आई है देख सकते हैं, प्लस माइनस वन बाई रूट टू, और बी की वैल्यू कितनी आई है, आई लगाकर बी की वैल्यू लगाइए बच्चों, वन माइनस प्लस माइनस वन बाई रूट टू, देख सकते हैं बी की वैल्यू भी वही है। मैं ये प्लस माइनस यहां न लिखकर यहां लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट आई इज इक्वल टू, एक बार आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है,
एक बार आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रूट आई इज इक्वल टू वन बाई माइनस वन बाई रूट टू माइनस का वन बाई रूट टू आई। ये दोनों आपके क्या है, आंसर है। ये दोनों आपके क्या है, आंसर है बच्चों।